उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। विवाद की सुर्खियों में आने के बाद आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति पर धोखा देने समेत कई आरोप लगाए। यहां तक कि उन्होंने ये भी दावा किया कि ज्योति मौर्य का को उन्होंने ही पढ़ा लिखा कर पीसीएस अधिकारी बनाया। और जब न्यूज 18 ने ज्योति मौर्य से आलोक के इस दावे पर सवाल पूछा तो उन्होंने उन पर तंज कस दिया। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया, उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके कैसे, मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। सर जब मैं एलकेजी में थी ना तभी मेरी शादी हो गई थी, आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोषा है, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई, पर सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। और तो और आलोक मौर्य का आरोप है कि 2016 में पीसीएस अधिकारी बनने के बाद से इनकी पत्नी ज्योति मौर्य का रवैया बदल गया था। उनका यह भी आरोप है कि 2020 से ही वो किसी दूसरे आदमी के संपर्क में हैं, जिसकी वजह से उन्होंने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया बल्कि उन्हें उनकी बेटियों तक से दूर कर दिया। जबकि ज्योति मौर्य ने आलोक पर उनके रिश्ते को तार तार करने का आरोप लगाया। एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है, मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया था। मौर्य से मतलब नहीं है, बट आलोक ने जिस तरह से हमारे 12 साल के रिश्ते को पब्लिकली तार तार किया है, देखिए कितना भी रिश्ता खराब हो जाता है, इंसान अलग होने के लिए लीगली मैं तो प्रोसेस कर रही थी, बट उन्होंने थोड़ी बात नहीं, बहुत पर्सनल है, जाने दीजिए। और आलोक मौर्य के मुताबिक शादी के बाद ज्योति मौर्य आगे पढ़ना चाहती थी, जिसके बाद उन्होंने तंगी के बावजूद उन्हें पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आरोप है कि पीसीएस अधिकारी बनने के बाद उन्होंने न सिर्फ उन्हें ठोकर मार दी बल्कि उन पर दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगा दिया। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ज्योति मौर्य ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर रामगुरारी मौर्य का है, लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति रामगुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम, और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। पर्सनल मैटर बताया मैंने, मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी आलोक के ये सब कहने से पहले से ही मेरा मैट्रिमोनियल केस चल रहा है कोर्ट में। इस बीच आलोक मौर्य के बचपन के दोस्त ने पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के उस आरोप को गलत बता दिया जिसमें उन्होंने आलोक पर झूठ बोलकर शादी करने की बात कही थी। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक मौर्य ने शादी के वक्त खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था, जबकि वो पंचायती राज विभाग में एक मामूली सफाई कर्मचारी हैं। इसी बीच ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का एक कार्ड भी सामने आया जिसमें आलोक मौर्य के नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा दिखाई दिया। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब आलोक मौर्य के बचपन के दोस्त रामकृष्ण चौरसिया ने ज्योति मौर्य के इन आरोपों को गलत बता दिया। शादी कार्ड हम ही लोगों ने छपवाया था, उस पर कहीं जिक्र नहीं था। इसी तरह गाँव के कुछ लोगों ने भी ज्योति मौर्य के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे गाँव में ऐसा कोई कार्ड नहीं बटा जिसमें ग्राम विकास अधिकारी लिखा हो। लोगों का कहना है कि ज्योति मौर्य के इस फैसले से आलोक और उनके परिवार के साथ पूरा गांव दुखी है। उधर पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद पर बात करते करते आलोक मौर्य के पिता फूट फूट कर रोने लगे। पिछले 2 हफ्तों से ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच चल रहा घमासान सुर्खियों में, क्योंकि आलोक मौर्य का आरोप है कि पीसीएस अधिकारी बनते ही ज्योति मौर्य ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। इस बीच न्यूज 18 की टीम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मौजूद आलोक मौर्य के गांव बछवल पहुंची, जहां आलोक मौर्य के घर में उनके पिता राम मुरारी मौर्य मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से जुड़े विवाद का जिक्र हुआ वो फूट फूट कर रोने लगे। गांव वालों के मुताबिक जब से एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक के परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है तभी से राम मुरारी मौर्य सदमे में है, उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। और गांव के लोगों का दावा है कि शादी से पहले ही आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के परिवार के लोग एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए शादी के वक्त आलोक के झूठ बोलने और धोखा देने का सवाल ही नहीं उठता। 2009 में आलोक मौर्य की पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी लगी थी और उसके अगले साल यानी 2010 में आलोक के घर वालों ने उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य से करा दी। आलोक मौर्य के गांव के लोगों का कहना है कि दोनों के घर वाले एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि आलोक के चाचा दरोगा थे और उनकी तैनाती उस दौरान ज्योति के गाँव में थी। इसी वजह से दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और ज्योति और आलोक को भी एक दूसरे के बारे में सारी जानकारी थी। आलोक और ज्योति का परिचय पहले से था। आलोक के चचा उसके बगल में रहते थे, उनके परिवार के बगल में रहते थे। गांव के लोगों का ये भी कहना है कि आलोक और ज्योति दूर के रिश्तेदार हैं। दोनों का परिवार गरीब था और सब कुछ जानने समझने के बाद ही दोनों परिवारों के बीच रिश्ता हुआ था। और तो और आलोक मौर्य के गांव के लोगों ने पीसीएस अधिकारी और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के लगाए दहेज के आरोपों को भी गलत बता दिया। लोगों का कहना है कि आलोक मौर्य के पिता राम मुरारी मौर्य एक ईमानदार टीचर थे।
और उन्होंने न तो शादी के वक्त कोई दहेज की डिमांड की थी और न ही शादी के बाद। आलोक मौर्या के गांव के लोगों के मुताबिक ज्योति मौर्या को पीसीएस अधिकारी बनाने के लिए उनके परिवार ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन जब एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्या ने परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाया तो पूरा परिवार हैरान रह गया। गांव वालों के मुताबिक आलोक और उसके परिवार के लोगों ने कभी भी ज्योति से पैसों की मांग नहीं की। एसडीएम बनने के बाद कोई डिमांड करता है 10 लाख या 25 लाख की कोई बात ही नहीं थी। गाँव के लोगों की ये भी दलील है कि अगर आलोक को दहेज मांगना होता तो वो शादी के वक्त ही मांग लेते, इसीलिए शादी के 13 साल बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने का ज्योति मौर्या का आरोप बेबुनियाद है।